Hello everyone, this is Arpita Mehta and today we are going to talk about sequences. What is a sequence? A list of ordered elements, yani ki a collection ya a set or a group of elements or objects, usually jo hum numbers lete hain, that is called a sequence. जैसे कि यहाँ पे आपको एक example दिखाई दे रहा है 3, 6, 9, 12, 15 and 18. हर टर्म में 3-3 का गैप है. तो एक ऐसा सेट, एक ऐसा कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है एंड इट इज़ इन ऑर्डर, इस टाइप का कलेक्शन सीक्वेंस कहलाता है. डिफरेंस बिटवीन अ सेट एंड अ सीक्वेंस. सेट और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है? अगर हम सेट की बात करें तो सेट ही एक कलेक्शन होता है ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, बट यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर. ऑर्डर डज नॉट मैटर, किसका ऑर्डर? एलिमेंट्स का ऑर्डर. एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, बट इन अ सीक्वेंस ऑर्डर मैटर करता है एलिमेंट्स का, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज. जो कंसेप्ट है सीक्वेंस सीरीज का, ये है स्टडी ऑफ पैटर्न, यानी कि जो पैटर्न हमें अपने आसपास नेचर में इर्द गिर्द दिखाई देते हैं उनकी स्टडी के कॉन्सेप्ट को हम सीक्वेंस एंड सीरीज में सॉल्व करना या उनको समझना सीखते हैं. अगर मैं इसे दूसरी तरीके से डिफाइन करना चाहूँ मैथमेटिकली, तो हम बोल सकते हैं कि मैपिंग जो है या हमारा सीक्वेंस जो है वो एक मैपिंग है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सबसेट ऑफ रियल नंबर. यानी कि अगर हम एक मैपिंग करें या एक फंक्शन हो हमारे पास जो कि जिसकी मैपिंग नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर हो रही हो, इस टाइप का फंक्शन या मैपिंग क्या कहलाएगी? सीक्वेंसेस. नेक्स्ट कम्स सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. हमें अगर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना है तो जो भी हमारे सीक्वेंस के टर्म आएंगे हम उन्हें कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं और उन्हें एनक्लोज कर सकते हैं विद इन द ब्रैकेट्स. और इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, अगर जो हमें सीक्वेंस दे रखा है उसको हम जनरल टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं. सपोज़ हमें जो सीक्वेंस दे रखा है उसकी जनरल टर्म या एनए टर्म है ए एन, उसको अगर हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें तो ये भी एक दूसरा तरीका है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का, जहाँ पे ए एन जो है वो जनरल टर्म देगी सीक्वेंस की. यहाँ पे हमने ए यूज़ किया है, लेटर ए, बट आप चाहें तो कोई भी लेटर इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं, बट यूजुअली सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ए एन और एस एन. अगर इस टाइप की टर्म्स लिखी हैं ए 2.6, ए माइनस 1, ए 0, जो कि आउट ऑफ कंसिडरेशन है, यानी कि ये सीक्वेंस की टर्म्स, क्योंकि 2.6 टर्म इज़ नॉट पॉसिबल. ए माइनस 1 टर्म्स नेगेटिव में नहीं हो सकती. ए ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे जब एन ले रहे हैं दैट इज़ अ नेचुरल नंबर. एग्जाम्पल्स लेते हैं. पहला एग्जाम्पल है सीक्वेंस का 1/2, 2/3, 3/4 and 4/5. ये हमारी सीक्वेंस की टर्म्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही हैं और दे आर इन ऑर्डर. और अगर मैं इस सीक्वेंस की एन ए टर्म यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो आप देखोगे यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है. दैट मीन्स सब पैटर्न ऐसे ही चल रहा है, न्यूमरेटर में कम है और डिनोमिनेटर में एक इंक्रीज हो रहा है. देन आई कैन राइट जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस एज एन अपॉन एन प्लस 1. नेक्स्ट सीक्वेंस इज 1/n, नेक्स्ट इज 4n-5/2n, नेक्स्ट इज 1/n³, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट
एन अपॉन एन प्लस वन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सीक्वेंसेस के। लास्ट फोर एग्जाम्पल्स में आपको जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम एन की वैल्यूज़ 1, 2, 3 पुट करते जाएं तो हमें एक सीक्वेंस फॉर्म होता दिखाई देगा। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज नोन एज इट्स रेंज। जो भी हम मैपिंग करते हैं नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर, तो वहाँ पर हमारी जो भी रेंज फॉर्म होकर आएगी दैट विल बी नोन एज आर सीक्वेंस, या फिर जो सीक्वेंस है वो मैपिंग की रेंज होती है। जो हमारा सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू बी टाइप का है जहाँ पर बी एक कांस्टेंट है, तब इस टाइप का सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगा। यानी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक टर्म है, एन एथ टर्म है, ए एन इज इक्वल टू 54, यानी कि इसके जो जितने भी टर्म्स आएंगे वो 54 इस टाइप से आएंगे और ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगा। क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ सीक्वेंस, किसी भी जनरल टर्म का सीक्वेंस होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो जनरल टर्म हमें गिवन है वो किसी भी तरीके से फंक्शन को या उस जनरल टर्म को जो हमारे नेचुरल नंबर्स हम उसमें पुट करेंगे उसे अनडिफाइंड ना बनाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एन टर्म है 3n+5/(n-1). अगर यहाँ पे देखा जाए नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, अगर मैं n की जगह यहाँ पे 1 पुट करूँ तो डिनोमिनेटर में 1-1 विल बिकम 0, और ये जो हमारी जनरल टर्म है जिसमें 0 अपॉन में आ रहा है वो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ सीक्वेंस। नेक्स्ट है दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर मेरे पास ए एन इज इक्वल्स टू √(n-8) है तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 8 से तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी इन √, लेकिन अगर हम 8 से छोटा नेचुरल नंबर लेंगे तो ये वैल्यू जो है वो √-में वैल्यू आएगी जो कि इनवैलिड है, या हम ये बोल सकते हैं हमें एक रियल नंबर नहीं मिलेगा। टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस दो टाइप के हैं, फाइनाइट सीक्वेंसेस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। फाइनाइट सीक्वेंसेस एज द नेम क्लियर इटसेल्फ, वो सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो और काउंटेबल हो वो टाइप के सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल -10, -50, 0, 5 ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में जा रहा है और 150 तक जा रहा है, दैट मीन्स हम इसे काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट कम्स इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। इनफाइनाइट सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, या एक ऐसा सीक्वेंस विच कंटेन्स इनफाइनाइट many terms, then it is an infinite sequence. Monotone sequence. Monotone sequence, monotone का word मतलब होता है continuous. एक ऐसा sequence जो continuously increase या continuously decrease हो रहा है, इस type के sequence को हम monotonic sequence या monotone sequence कहते हैं। ये दो type के होते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस का हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ा हो हर एक एन के लिए, यानी कि हम बोलें कॉन्टीन्यूसली, तब इस टाइप का सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। दैट इज ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन। ए एन प्लस वन हमारी नेक्स्ट टर्म होगी और ए एन जो है दैट विल बी आर प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म अगर हर बार प्रीवियस टर्म से बड़ी होती है तो
ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। इसी तरीके से मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए हर पहले वाली टर्म नेक्स्ट टर्म से ज़्यादा होनी चाहिए या हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से कम होनी चाहिए, जो वैल्यू है उसकी दैट विल बी लेस देन, दैट इज ए एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू ए एन। ए एन हमारी प्रीवियस टर्म है जो कि बड़ी है ए एन प्लस वन से, जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म से नेक्स्ट टर्म होगी। नेक्स्ट कम्स पीस वाइज सीक्वेंसेस। पीस वाइज सीक्वेंसेस में क्या होता है, जो जनरल टर्म है हमारी वो पार्ट्स में डिफाइंड होती है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन इट इज डिफाइंड। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है ए एन इज इक्वल्स टू वन बाय एन, जो हमारी जनरल टर्म है वो है वन बाय एन जब एन की वैल्यू ऑड है, और नेक्स्ट है टू एन प्लस वन जब एन की वैल्यू इवन है। इस टाइप के सीक्वेंसेस को पीस वाइज सीक्वेंसेस कहा जाता है। थैंक यू सो मच।